पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे हुए कैसे बनवा सकते हैं, उसका टेस्ट कैसे दे सकते हैं। आज की इस वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपका लर्नर लाइसेंस जब बन जाता है तो आप फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस बन जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। विद इन 6 मंथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई भी करना होता है। लर्नर लाइसेंस अगर आप बनवा चुके हैं तो लर्नर लाइसेंस स्टार्ट डेट से 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। इसके अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे सारथी परिवहन की वेबसाइट पर। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पर अपना लर्नर लाइसेंस नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और ओके। आपके सामने लर्नर लाइसेंस की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि लर्नर लाइसेंस किस किस चीज़ के लिए बनवाया गया है, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए। और यहाँ पर इशू डेट आप देख सकते हैं कब लर्नर लाइसेंस इशू किया गया है और ये लर्नर लाइसेंस कब एक्सपायर होगा वो भी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब तक ये लर्नर लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता है, इस डेट के अंदर अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आपको यहाँ इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका RTO आपको देखने को मिलेगा और जो भी लर्नर लाइसेंस में आपने डिटेल फिल की हुई थी, जैसे कि 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए हमने बनवाया था, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। इनमें से अब आपको 2-व्हीलर के लिए बस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या 4-व्हीलर के लिए, या फिर आपने जैसा लर्नर लाइसेंस बनवाया था वैसा ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यानी कि 2 और 4 दोनों के लिए, तो आप यहाँ पर एक एक सेलेक्ट करके और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे हमने ये दोनों यहाँ पर ऐड कर लिया, क्योंकि हमने जैसा लर्नर लाइसेंस बनवाया था वैसा ही हमें 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों को चाहिए। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप आएगा जहाँ आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर 1 देखने को मिल जाएगा या आपको RTO देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन फिल करने का कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से हमें 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें सेकेंड स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 3rd स्टेप में फीस पेमेंट करनी है और 4th स्टेप में DL स्लॉट बुक करना है। तो चलिए यहाँ पर 2nd स्टेप कंप्लीट करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशंस की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें पहला आपका एड्रेस प्रूफ होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। दूसरा होता है आपका लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ से हम एक एक करके दोनों डॉक्यूमेंट PDF में या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं टाइप JPG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 500 KB से कम नहीं होनी चाहिए फाइल। तो यहां पर हम दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। हमारे दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हमने 2nd स्टेप भी यहां पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है 3rd स्टेप फीस पेमेंट का, यहां पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एप्लीकेशन की सारी डिटेल आ जाती है और कितनी फीस आपको लगेगी वो भी यहां पर शो हो जाती है। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और के लिए 1000 रुपये हमें देने हैं और ये 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, आप इंटरनेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं या फिर भीम UPI या फिर फोन पे से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और पे कर सकते हैं। हम पे नाउ पे क्लिक करके चलिए पेमेंट हम सक्सेसफुल करते हैं। हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने इस प्रकार से जनरेट हो जाएगी रिसिप्ट। इसके बाद यहाँ क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं। होम पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल फीस पेमेंट होने के बाद फिर से आपको इसी पोर्टल पर आना है, यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। अब आपको स्लॉट बुक करना है, जिसके लिए फिर से इसी बटन पर क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इसी डैशबोर्ड पर फिर से आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अपॉइंटमेंट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्लॉट बुकिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर से और लर्नर लाइसेंस नंबर दोनों में से किसी से भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।
चूंकि हमने अभी एप्लीकेशन किया हुआ है तो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट जो भी आपने रेस की हुई है, जैसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए, तो यहाँ पर आप किसके लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम दोनों सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करेंगे। उस मंथ में कौन कौन सी डेट में अवेलेबिलिटी है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर इंडिकेटर में जो ग्रीन कलर में डेट शो हो रही हैं वो अवेलेबल हैं, यानी उस दिन आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो रेड दिख रही हैं वो अवेलेबल नहीं है, और जो आपको नीले कलर में शो हो रही हैं वो आपका हॉलीडे है। तो हम ग्रीन कलर में जो भी शो हो रही हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्रीन डेट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर टाइम जोन आ जाता है, आप किस टाइम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं स्लॉट बुक का वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले टाइम में 10 बजे बुक करेंगे मॉर्निंग पे, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता तो यहाँ रीसेंड ओटीपी करके आप दोबारा भी मंगा सकते हैं ओटीपी। ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी और किस डेट को आप बुक कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करेंगे, आपका स्लॉट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी, ये आपका स्लॉट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट पे क्लिक करके रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। आपके सामने इस प्रकार से रिसिप्ट आ जाएगी। अब आपने जो स्लॉट बुक किया है उस डेट को आपको उस टाइम से 30 मिनट पहले अपने RTO जाना है, वहाँ पर जाके आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट में सक्सेसफुली क्वालिफाइड होने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट कर दिया जाता है। अगर आप टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इसे आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं उसी फीस में। इस प्रकार से आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 बार से ज़्यादा बार फेल होते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ती है। कोशिश करें कि आप फर्स्ट ही बार में निकाल लें और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। इस प्रकार से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।